हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये सुंदर सा मोबाइल पाउच बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है, इसके अंदर दो पॉकेट्स हैं। उससे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मोबाइल पाउच को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस ब्लैक कलर के दो पीसेस ले लिए हैं, एक की लेंथ 6 इंच, दूसरे की लेंथ जो है 7.5 इंच है। तो देखिए लाइनिंग भी साथ में है और चौड़ाई जो है दोनों की बराबर है। तो सबसे पहले जो ये छोटा वाला पीस है इसको हम लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमने ये लगा ली है। इसके बाद देखिए इस स्टिच को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और अच्छे से नेल से इसे बैठा लेंगे। अब हम ये जो बड़ा वाला पीस है ये इस तरीके से रखेंगे और इस पीस को, छोटे वाले पीस को ऐसे हमें रखना है और जो लाइनिंग वाला पीस है इसे भी इसके ऊपर रख लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, फिर यहाँ तक। इतना बीच वाला हिस्सा जो है बगैर स्टिच के छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टिच लगा ली है। सबसे पहले हम इसके जो कॉर्नर हैं उन पर हल्की सी ट्रिमिंग कर लेंगे। ट्रिमिंग करने के बाद हमने क्या करना है, इसको पलट के राइट साइड की तरफ लेके आना है। जहाँ से हमने बगैर स्टिच के इसे छोड़ दिए, यहाँ से हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पीस बना के तैयार कर लिया है। ये वाला हिस्सा जो है हम बाद में स्टिच कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर देखिए ये एक बुकरम का पीस ले लिया है, 6 इंच बाय 4.5 इंच का ये है। और ये देखिए दो पीस हमने ब्लैक कलर के ले लिए हैं। अब हम इस बुकरम के पीस को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, लेंथ में हाफ कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो ये फैब्रिक है इसके ऊपर हमें ये रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और इस पर हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा लेंगे गोलाई वाले जगह पे, और इसके बाद इसको टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ। अच्छे से इसको किनारे जो हैं उनको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, गोलाई वाले हिस्से पर एकदम किनारे की स्टिच लगा लेंगे जिससे अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हमने एक स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले लेनी है 5.5 इंच बाय 1.5 इंच की, और इसको यूं फोल्ड करके इसको स्ट्रेट यूं ऐसे स्टिच कर लेना है। अब इस स्ट्रेट स्ट्रिप को हम हाफ कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये गोलाई वाला हमने बुकरम वाला हिस्सा बनाया था इस पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये दो इस तरीके के कुंडे हैं, इनको मैं इस लूप के अंदर डाल लूँगी ऐसे, और दूसरे को इस पे डालने के बाद हम इसे देखिए यहाँ से बराबर गैप में यूँ रखेंगे दोनों साइड से, और इसे यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। दूसरे वाले को यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुंडे जो हैं दोनों तरफ स्टिच कर ली हैं। इसके बाद हमने ये एक और पीस ले लिया है जिसकी लेंथ जो है 7 इंच ही है। इसको हम इस तरीके से सेंटर पे मार्क लगा लेंगे पहले तो। अब ये जो सेंटर है और जो बुकरम है इसको हम इसके नीचे रख लेंगे, और ये जो फ्लैप है इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। कुंडे वाली साइड जो है इसकी राइट साइड है, तो ये और ये हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे, और ये जो ब्लैक पीस लाइनिंग वाला है इसे भी रख लेंगे। अब हम देखिए क्या करेंगे, इतना हिस्सा बगैर स्टिच के छोड़ के बाकी के सब हिस्सों पे स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेंगे, इतना हिस्सा बगैर स्टिच के। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कॉर्नर की जो है ट्रिमिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको जो हिस्सा हमने छोड़ा हुआ था वहाँ से राइट साइड को टर्न कर लेंगे।
इसे हमने तैयार कर लिया। अब इस छोटे वाले पीस को हम लेंगे और यहाँ पर किनारे की स्टिच लगा लेंगे और दूसरा हिस्सा यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया। अब जो ये वाला हिस्सा है ऊपर जो गोलाई वाला कॉर्नर है उसके हिसाब से सीधा हम एकदम करना है और यहाँ पर भी हम किनारे की स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये किनारे की स्टिच भी हमने लगानी है। अब इसके बेस वाले हिस्से को हम यूं फोल्ड करेंगे ऐसे करके और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच लगा के बेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा मोबाइल पाउच बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हम एक नीचे बटन लगाएंगे और ऊपर यहाँ पे काज कर लेंगे, या फिर आपके पास मैग्नेट बटन है तो मैग्नेट बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो है तो वेलक्रो लगा सकते हैं, प्रेसिंग बटन या टिच बटन है तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और इसकी जो डोरी है मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर काज बटन कर लिया है, एक पॉकेट ये है, दूसरी पॉकेट ये है और बहुत ही खूबसूरत ये पाउच लग रहा है। ये हमने डोरी जो है इस पर लगा ली है। डोरी आप अपनी जो है नीड के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जैसे भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, मार्केट से रेडीमेड डोरी भी खरीद सकते हैं। तो ये हमारा मोबाइल पाउच बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने इसे एडजस्टेबल बनाया है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स थे तो मैं सभी पार्ट्स के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेज़रमेंट तो वहाँ पर आप मेज़रमेंट सारे के सारे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।